बेंजीन एंड एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, पॉलीस्टायरीन इन द फॉर्म ऑफ द स्टायरोफोम इज ए रेसिलिएंट पॉलीमर ऑफ द लो थर्मल कंडक्टिविटी यूज इन पैकिंग मटेरियल्स एंड वेरियस मोल्डेड प्रोडक्ट्स। फोमिंग इज इंड्यूस्ड बाई एडिशन ऑफ द इथाइल बेंजीन स्टायरीन एंड सबसेक्वेंट हीटिंग। आज हम लोग बेंजीन एंड एरोमेटिसिटी के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे एक टर्म आपका जो एरोमेटिसिटी है, इसके लिए टर्म दिया गया है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो केकुले मॉडल है, ये सबसे पॉपुलर मॉडल है। केकुले मॉडल है, इसको हम लोग बोलते हैं केकुले मॉडल, केकुले मॉडल ऑफ बेंजीन, केकुले मॉडल ऑफ बेंजीन। यहाँ पे जो टर्म आपका एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। एरोमेटिसिटी ये एक अरेबियन वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं अरेबियन वर्ड। अरेबियन वर्ड मीन्स एरोमा, अरेबियन वर्ड, और एरोमा मीन्स क्या होता है, प्लीजेंट या सेंटेड, प्लीजेंट और सेंटेड, जिसको हम लोग सुगंधित बोले हैं, जो सुगंधित एलिमेंट है कंपाउंड हो। अब यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे बेंजीन के जो प्रपोज स्ट्रक्चर थे, पहले सबसे पहले डीवार स्ट्रक्चर ने दिया था। डीवार ने क्या दिया था कि तीनों डबल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर इस तरह से है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक क्लास का बेंजीन का मॉडल है, और ये आपका लेडनबर्ग प्रिजमेन का मॉडल है, और ये बेंजवेलिन का मॉडल आपका है। ये सारे मॉडल आपकी बेंजीन रिंग के इग्नोर कर दिए गए, और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल आपका केकुले को ही कंटेन में लाया गया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भी जो बेंजीन का जो केकुले मॉडल है, इसका हम लोग BR2 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो BR2 से रिएक्शन FeBr3, ये आपका लुईस एसिड है, लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इसे जब हम लोग कराएंगे तो हमारा ब्रोमीन कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हुआ है, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक HBr। ये कलर आप देख रहे होंगे, इस कलर का और ये ब्रोमीन, ये दोनों आपके HBr यहाँ से रिलीज हो गए, और ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो गया। देखिए यहाँ पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन यहाँ पे आपके रिलीज हो चुके हैं, और ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, या इसको एडिशन प्रोडक्ट में हम लोग देख सकते हैं। जब क्या एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ ब्रोमीन यहाँ पे हो जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे। एडिशन प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, दोनों ब्रोमीन जाके डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएंगे। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सीट खाली यहाँ पे है, एक सीट यहाँ पे वैकेंट है। इस केस में हम लोग देखते हैं कि दोनों ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और आपका एडिशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो नॉट फॉर्म, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट नॉट फॉर्म। यहाँ पे तीन तीन डबल बॉन्ड होते हुए भी बेंजीन रिंग के अंदर आपका एडिशन प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्ट आपका नहीं है, ये मेन प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा है तभी एक ब्रोमीन को यहाँ पे जगह मिली है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग के अंदर सारे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होते हैं, जबकि इसके अंदर तीन तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तीन तीन डबल बॉन्ड होते हुए भी इसके अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। इसका कारण क्या है, मेन इसका कारण क्या है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी कारण हम लोग देखते हैं जो बेंजीन रिंग में आपका जो रेजोनेंस फॉर्म करता है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट फॉर्म में सिंगल और डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एट द सेम टाइम ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और उसी समय ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ये बॉन्ड हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल हो जाएगा, और ये सिंगल हो जाएगा, और ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल और ये डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सारे जो डबल बॉन्ड थे वो सिंगल हो गए, सारे सिंगल बॉन्ड आपके डबल बॉन्ड हो गए, अल्टरनेट क्रम में ये आपका स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ। और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, जो सिंगल बॉन्ड थे वो डबल हो गया, सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड आपके डबल बॉन्ड होंगे। इस क्रम में हम लोग सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है, ये दिखा रहा है कि बेंजीन रिंग के अंदर ये डबल बॉन्ड पूरी तरह से डीलोकलाइज हो रहा है,
और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के क्रम में हम लोग देखते हैं सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो देखा कि एरोमेटिसिटी के जो टर्म एंड कंडीशन थे कि रिंग शुड बी साइक्लिक, मस्ट बी प्लेनर एंड ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका बना है बेंजीन का, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। इसमें सारे जितने भी आपके पार्ट बने, सपोज करो पार्ट फर्स्ट है, ये आपका पार्ट सेकंड है, इन दोनों पार्ट का पूरा कम्बिनेशन फॉर्म है। ये आपके जो डॉटेड लाइन फॉर्म में आपके जो रिंग दिखा रहे हैं, जो छल्ले की तरह दिख रहे हैं, ये शो कर रहा है कि इस रिंग के अंदर डबल बॉन्ड पूरी तरह से डीलोकलाइज हो रहा है, और इसी डीलोकलाइजेशन के कारण इस पूरे रिंग की स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जा रही है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा भी है कि आपके जो बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर है, जो केकुले मॉडल हम लोगों ने लिया है, इस केकुले मॉडल में सभी कार्बन आपके क्या है sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे H इसका अटैच है, ये भी H है आपका, और यहाँ पे एक H लगा हुआ है, एक H यहाँ पे लगा हुआ है, सेकेंड H आपका यहाँ है और एक H आपका यहाँ पे लगा हुआ है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और इसमें सारे कार्बन आपके क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज एंड दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें आपके बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बेंजीन रिंग के अंदर टोटल सिग्मा और टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं और इन दोनों का रेशियो क्या है। तो सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड आप देखेंगे टोटल कितने होंगे 12, 6 आपके हाइड्रोजन के बाहर बाहर आउटर आउटर सरफेस में, और 6 सिग्मा बॉन्ड इस रिंग के अंदर जो कार्बन से अटैच है वो हो गए, और आपके पाई बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड आपके हो गए टोटल 3। तो रेशियो यदि पूछा जाएगा सिग्मा बॉन्ड रेशियो पाई बॉन्ड, अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का रेशियो हमको देखना हो तो सिग्मा बॉन्ड आपके 3 हो गए, पाई बॉन्ड आपका 12 हो गया, मीन्स 1:4, ये 1:4 आपका पेपर में पूछा गया था। तो ये बेंजीन रिंग के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो 1:4 है। यहाँ पे हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे हैं एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी के टर्म एंड कंडीशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इसके कुछ एग्जांपल और भी हम लेते हैं। एग्जांपल के टर्म में हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो लेते हैं नेफ्थलीन, यदि एक रिंग से बेंजीन हो और दूसरे रिंग से भी बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर अटैच हो, इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्थलीन। ये आपका नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगा, ये जो 3 बॉन्ड इसमें है, 2 बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, तो इसको मैं डीलोकलाइजेशन के थ्रू ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि आपके 3 बॉन्ड इसमें है और आपके डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आपके 2 बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। ये आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट आपका रेजोनेटिंग है, ये आपका स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का 2 है, और इसके थर्ड स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि पूरे रिंग के अंदर डबल बॉन्ड क्या करता है, डीलोकलाइज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इस कार में हम देख रहे हैं पूरा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है, प्लेनर भी है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, साइक्लिक भी है। हक्कल रूल देखते हैं, हक्कल रूल क्या कहता है, HUCKLE हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेयर एन इक्वल टू 0, 1, 2, 3 कुछ भी होना चाहिए। तो 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होगी। तो 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10-2, और 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, सो n इक्वल टू कितना होगा, 8/4, सो n इक्वल टू 2, दैट इज मस्ट बी एरोमेटिक। ये सारे रूल और रेगुलेशन कंडीशन आपके फॉलो करता है नेफ्थलीन एरोमेटिसिटी की, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड ये होगा। थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं एंथ्रासीन को, ये आपका एंथ्रासीन होगा। एंथ्रासीन में आपके क्या हो गए, 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से लगे हुए हैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्रम में हम लोग देखते हैं इसका दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म आपका बन सकता है। यहाँ पे इसके अंदर मैंने 3 डबल बॉन्ड लगाए, एक अल्टरनेट क्रम में यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। तीसरा हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेते हैं, यहाँ पे 3 आपका रिंग बनाएंगे, और तीनों रिंग के क्रम हम लोग देखेंगे, यहाँ 3 बॉन्ड बने हैं, इसमें भी 3 रिंग हैं, और यहाँ पे हम लोग बीच में करके देखते हैं, और यहाँ पे एक बार लगा देते हैं तीनों रिंग,
और यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसका मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा, जो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या देखेंगे, पूरे रिंग के अंदर डबल बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन है, तो साइक्लिक है। सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज भी हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण सभी प्लेनर हैं, और प्लेनर में रेजोनेंस हाइब्रिड भी है। और इसमें आपका चौथा रूल क्या है, हक्कल रूल। हक्कल रूल को लोग देखते हैं, हक्कल रूल क्या कहता है कि 4n+2 = π इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 = π इलेक्ट्रॉन्स आर 4n+2 = π इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। आर 4n = कितना हो जाएगा, 14 - 2, आर 4n = 12, आर n = 12/4, आर n = आपका हो जाएगा 3। दैट इज मस्ट बी एरोमेटिक। तो एंथ्रासीन हमने देखा कि पूरे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए एंथ्रासीन मस्ट बी आपका एरोमेटिक होगा। इसी के क्रम में अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन में हम लोग देखते हैं, ये स्ट्रक्चर आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक रिंग आपके अटैच है, और यहाँ पे डबल डबल डबल, और यहाँ पे डबल 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 के बाद यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल हो जाएगा, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। तो एंथ्रासीन की तरह आपके फिनेंथ्रीन में क्या होगा, पूरी तरह से एरोमेटिक होगा, क्योंकि सारे टर्म एंड कंडीशन आपके एंथ्रासीन की तरह दिख रहे हैं, इसलिए मस्ट भी आपका एरोमेटिक होगा। चौथा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आपका होगा साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, डबल 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 डबल, इसको हम लोग साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बोलते हैं। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन के क्रम में हम लोग देखते हैं कि ये आपका रिंग जो है एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक है। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी हैं, और हम लोग देखते हैं इसके अंदर रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस भी आपका बनेगा। और रेजोनेंस बनने के साथ साथ ये हक्कल रूल देखते हैं, 4n+2 = π इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 = π इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n+2 = π इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। आर 4n = हो जाएगा 8 - 2, आर 4n = हो जाएगा 6, सो n = कितना होगा, 6/4, आर n = हो जाएगा 3/2 = 1.5, मतलब ये डेसिमल में आएगा तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन एरोमेटिक नहीं होगा। यही टर्म एंड कंडीशन आपकी एंटी एरोमेटिसिटी की है, वहाँ पे कहता है कि एंटी मार्कोनिका एंटी एरोमेटिसिटी, दैट इज फॉरेन रूल को फॉलो करता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा लिया गया, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन प्लेनर ना होकर के पुकर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्यूब्स में एग्जिस्ट करता है, और अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से बनता है, और इस तरह से होने के कारण ये स्ट्रक्चर आपका प्लेनर में न होने के कारण इसकी एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी लूज कर गई है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब शेप, इसको बोलते हैं ट्यूब की तरह है, ट्यूब शेप होने के कारण ये आपका एरोमेटिक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।